सीधा रुख करेंगे देहरादून की तरफ। तो देहरादून से हमारे संवाददाता वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वैभव, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहेंगी? सबसे बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर सामने आ रही है, जिसमें कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें वीआईपी दर्शन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये जो पाबंदियां थी ये 15 मई तक थी, लेकिन जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको देखते हुए 31 मई तक इसे बढ़ा दिया गया है। और साथ से बात करें अगर यूट्यूबर्स की जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं कि मंदिर के जो 50 मीटर की जो दायरा होगा उसके भीतर आप मोबाइल फोन को बैन बिल्कुल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर है कि जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे चारधाम यात्रा की, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर है जिनमें खराबी आज जिनमें जो असामाजिकता आ रही उनको सुधारने में यहाँ पर चर्चा होगी। जो मुख्य सचिव राजेश रतूड़ी है वो भी शामिल होंगी। बात अगर मौसम की तो 20 तारीख तक मौसम के बिगड़ने की यहाँ पर संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। जो ऊंचा वाले इलाके यहाँ पे हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों में जो अभी धूप है और जो गर्मी है वो यहाँ पे जरूर तरसाएगी, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जो मौसम है वो वहाँ पे सही हो सकता है। जी सिमरन जी वैभव जी, मानसून के सीजन में अब ज्यादा समय नहीं रहा है, उसके लिए शासन प्रशासन की क्या तैयारियां चल रही है? मानसून आने वाला है, उसके लिए भी जो प्रशासन है पूरा यहाँ पे मुस्तैद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विशेष जो समीक्षा बैठक है वो यहाँ पर की जा रही है, तैयारियां हैं उनको लेकर बैठक की जा रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है और कुछ बहुत सी मुश्किलें यहाँ पे सामने आती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर लगातार जो पहाड़ से पत्थर गिरने की जो सूचना जो घटना यहाँ पर होती रहती है, उसके बचाव के लिए भी जो बैठकें हैं वो लगातार की जा रही है कि इन चीज़ों की घटनाओं को बचा जा सके और जो चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि चारधाम यात्रा में जो यात्री हैं वो बाहर से यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और उनकी सुविधा को देखते हुए सही बैठकें यहाँ पर कर ली गई और जो यात्रा चलाया जा सके और जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उसको भी यहाँ पर मजबूत किया गया है। उसके जो जो बारिश आने की जो बातें होती हैं उसको पहले यहाँ पर बता दिया जाए, मौसम विभाग पूरे अलर्ट रहता है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी उसकी सूचना होती है पहले से वो जो जनता तक पहुँचा दी जाती है। जी सिमरन जी वैभव जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।